हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत अलग तरीके से बनाई है मैंने और बहुत ही टेस्टी बनी है, क्रीमी बनी है, रिच बनी है। तो अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। कैसे बनाना है, डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई, मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की, लोहे की, कोई भी कढ़ाई लेकर इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें तेल को गर्म कर लिया, 1 टेबल स्पून तेल डाला और इसमें डाला है कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, साथ ही मैंने एक प्याज को भी बारीक काट कर डाल दिया। सारी चीज़ों को हम मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा भून लेंगे, तो 2 मिनट के करीब आपको इसको भून लेना है। जैसे ही प्याज हल्की सी भुन जाएगी, तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हमें भूनना होता है, तो वैसे ही हम इसमें सब्जियाँ डाल देंगे। तो सब्जियाँ अपनी पसंद की कोई भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक शिमला मिर्च डाल रही हूँ बारीक काट कर, साथ ही एक गाजर को मैंने घिस लिया है। आप चाहे तो गाजर को बहुत फाइनली चॉप करके यानी कि बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो फ्लेम को मीडियम हाई रखें और मीडियम हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इस तरह से 2 मिनट के लिए सब्जियों को अच्छे से सौते कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसमें आधी चम्मच नमक डाल दें ताकि नमक सब्जियों के अंदर तक चला जाए और हल्की सब्जियां गल जाएं। हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का सा हमें इन्हें पकाना है और क्रंची भी रखना है। तो मिक्स करने के बाद में अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, टमाटर डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो नमक तो हमने इसमें पहले ही डाल दिया था, बहुत ज़्यादा नमक हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें सॉसेस वगैरह भी जाएंगी, कुछ मसाले जाएंगे, तो इसलिए नमक हम कम ही ऐड करेंगे। तो टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें आधी चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी मिर्च पाउडर, जिससे हमारे पास्ता का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसमें जाएगा 1/4 चम्मच गर्म मसाला। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में इसको ढककर हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो ढक्कन लगा देते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद में और ढक्कर थोड़ा सा कुक कर लेते हैं ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे, साथ ही टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ढक्कन लगाकर इसको छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद में देखिए टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको एक बार हम मिक्स करेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जी हाँ फ्रेंड, जो इसको बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, टेस्टी और रिच बनाएगा। इसमें हम ऐड करने वाले हैं घर की मलाई, दूध की मलाई, जो कि सभी के घर पर होती है। तो मलाई आप इसमें फेंट कर ऐड कर दें, बस ध्यान आपको इस बात का रखना है कि मलाई बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमें फेंट कर ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 सैशे के करीब पास्ता मसाला, आप किसी भी ब्रांड का पास्ता मसाला इसमें डाल सकते हैं। पास्ता मसाला नहीं है तो आप इसमें कोई भी, जैसे मैगी मसाला आता है ना, तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, मैगी मसाला मैजिक। तो इसके बाद में इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप। तो मैंने इसको स्क्वीजी बॉटल जो होती है ना, हनी की बॉटल, शहद की बॉटल, उसमें भर कर रख दिया है। आप भी चाहे तो इस तरह से हनी की बॉटल को फेंकने के बजाय इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें स्पाइसीनेस के लिए ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा, स्पाइसी लगेगा और बहुत ही टेम्प्टिंग लगेगा। तो सारे स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। रेड चिली फ्लेक्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें फिर भी चलेगा। अच्छे से मसाले को हमने भून लिया 2 मिनट। आप देख सकते हैं इसमें से घी रिलीज होने लगा है, यानी कि मलाई में जो घी था ना वो थोड़ा सा छूटने लगा है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। तो मैंने क्या किया था, पास्ता लिया था मैक्रोनी पास्ता, आप किसी भी शेप का पास्ता बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने 8 से 10 मिनट के करीब नमक और थोड़ा सा तेल डालकर पास्ता को बॉयल कर दिया। ठंडा होने पर मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो पास्ता बॉयल करना सभी को आता है, तो पास्ता डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करना है, बहुत जेंटली मिक्स करना है, यानी कि हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि बॉयल होने के बाद ये काफ़ी डेलिकेट हो जाता है। अच्छे से सॉस से इसको कवर कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इसमें मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड नहीं की है, यानी कि मिक्स्ड हर्ब्स जो आती हैं पिज़्ज़ा के साथ या फिर अलग से भी आपको मिल जाती है, ऑरिगेनो मिल जाती है, तो आप इसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं या फिर मिक्स्ड हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने इसमें पास्ता मसाला ऐड किया था, जिसमें ऑलरेडी पास्ता मसाला यानी कि पिज़्ज़ा सीजनिंग डली हुई होती है, ऑरिगेनो डला हुआ होता है, तो मैंने नहीं डाला है, आप डाल सकते हैं। तो ढककर इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर 2 मिनट कुक करने के बाद में देखिए पास्ता हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इस पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, इसको एक बार वापस से मिक्स करेंगे। और इस तरह से एक बार आप पास्ता बनाकर ज़रूर देखिएगा, मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल इंडियन स्टाइल बना है, बहुत ही टेस्टी बना है, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं क्योंकि आजकल स्कूल शुरू हो चुके हैं और
बस आप इसको लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, इसमें सब्जियां भी है ढेर सारी, तो बनाकर बच्चों को आप रख सकते हैं, बहुत पसंद आएगा उनको। तो बनाकर देखिए, खाकर देखिए और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें हमने मेयोनेज नहीं ऐड की है, मलाई ऐड की है, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से सब्जियां भी इसमें जाएंगी। देखिए मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है थोड़ा सा इस तरह से चिली फ्लेक्स के साथ, थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला भी ऊपर से डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे और आप इसको गर्मागर्म सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी। बाय।